हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कलर्स टीवी के कुछ प्रोग्रामिंग चेंजेस वगैरह को लेकर उसके बारे में। तो गाइस, अग्नि साक्षी सीरियल की अगर हम बात करें तो ये शो के बारे में आपको काफ़ी टाइम से मैंने बताता आ रहा हूँ कि ये सीरियल बंद होने जा रहा है, ऑफेयर होने जा रहा है। लेकिन उसके बाद से इसको कुछ टाइम के लिए इसकी जो ऑफेयर है उसको वो डिले भी करते रहे, इसको कब बंद करना है उसको डिले करते रहे, बिकॉज दूसरे सीरियल्स का पत्ता पहले काट रहा था कलर्स टीवी। प्राइम स्लॉट वाले सीरियल्स का पत्ता उन्होंने पहले काटा है, जो मेन वाली स्लॉट्स होती हैं। तो एनीवेज, अग्नि साक्षी चलो जब भी बंद नहीं भी हुआ कुछ टाइम पहले, तो इसका बंद जो होना है वो तो निश्चिंत था ही। और अब मैं आपको बता दूँ कि किस तरह से बंद होगा और कैसे और कब किस टाइम के राउंड ऑफेयर जाएगा। जो सब करंटली कलर्स टीवी प्लान कर रहा है उसके मुताबिक कलर्स टीवी पे नया सीरियल आने जा रहा है, चांद जलने लगा। विशाल आदित्य सिंह जिसमें मेल लीड प्ले करेंगे और नियति फीमेल लीड प्ले कर सकती हैं, अभी के लिए फाइनलाइज्ड नहीं है वो। तो विशाल आदित्य सिंह का ये नया सीरियल होने जा रहा है, एक फैंटेसी शो जो कि स्वास्तिक प्रोडक्शंस की तरफ से आएगा। और इसको 9 बजे के टाइम स्लॉट देने का कलर्स टीवी अभी के लिए कंसिडर कर रहा है, बिकॉज उसको काफ़ी कॉन्फिडेंस है इस नए सीरियल में। 9 बजे पर आता है जुनूनियत। जुनूनियत सीरियल को 8:30 बजे से 9 बजे पे भेजा गया था, लेकिन जब चांद जलने लगा नया शो 9 बजे पे आएगा तो जुनूनियत ऑफेयर नहीं जाएगा। जुनूनियत अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ हफ्तों से, टीआरपी में इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रही है जुनूनियत में। और जुनूनियत की टाइम स्लॉट फिर सफ़र होगी, टाइम स्लॉट चेंज सफ़र करना पड़ेगा सीरियल को, और इसको आधे घंटे और आगे कर दिया जाएगा, यानी कि 9 बजे से हटाकर इसको 9:30 बजे पर भेज दिया जाएगा। इसकी टाइम स्लॉट फिर से बदल दी जाएगी जब चांद जलने लगा नया सीरियल आएगा। करेंटली कलर्स टीवी ये सब प्लान कर रहा है। अगर चांद जलने लगा कि टाइम स्लॉट को वो जो 9 बजे की देने की अभी के लिए कंसीडर कर रहे हैं, अगर उसको कोई और टाइम स्लॉट देने का कंसीडर करते हैं तो ये चीज़ें बदल सकती हैं आने वाले दिनों में, बिकॉज अभी के लिए शो का शूट स्टार्ट नहीं हुआ और प्रोडक्शन एक्चुअल वाली स्टार्ट नहीं हुई, तो काफ़ी दूर है काफ़ी चीज़ें। उसके बाद अग्नि साक्षी की बात आती है, 9:30 बजे पे जब जुनूनियत आएगा तो अग्नि साक्षी एंड हो जाएगा, अग्नि साक्षी ऑफेयर चला जाएगा। लेकिन एक बात बता दूं कि अग्नि साक्षी की पिछले कुछ हफ्तों से टीआरपी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है, तो इस इम्प्रूवमेंट को देखते हुए कलर्स टीवी इसको एक्सटेंशन भी दे सकता है थोड़ी बहुत, और इसकी किसी दूसरी टाइम स्लॉट पर भी भेज सकता है। बट मेन जो मेजर चांस है वो ये है कि सीरियल को एंड कर दिया जाएगा और कोई एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। बट टीआरपी में थोड़ा सा इसकी बेटरमेंट देखने को मिल रही है, इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है, उसी को देखते हुए कुछ हफ्तों की एक्सटेंशन मिल सकती है इसको किसी दूसरे टाइम स्लॉट पे भेज के। बट वो प्लान अभी के लिए कुछ भी नहीं करा गया है, अभी के लिए यही है कि 9:30 बजे पे जब जुनूनियत आएगा तो अग्नि साक्षी को बंद कर दिया जाएगा। कलर्स टीवी के प्लान्स में बहुत चेंजेस होते रहते हैं, अगर आने वाले हफ्तों में इस चीज़ में कोई भी चेंज हुआ तो मैं वीडियो बनाकर आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगा। तो बिल्कुल सारी अपकमिंग अपडेट्स अग्नि साक्षी जुनूनियत कलर्स टीवी की सब पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप कोई अपडेट मिस ना करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।